पता लगाया कि अलीबाग पुलिस ने आज तक
तक शेरलिन चोपड़ा के खिलाफ इस तरह की कोई FIR दर्ज नहीं थी। बात ये है कि क्यों राखी सावंत जैसी लड़कियां दूसरी महिलाओं पर कीचड़ उछालती हैं? क्या हमारे देश का संविधान हमें यह हक देता है कि हम दूसरी महिलाओं की इज्जत की धज्जियां उड़ा दें? IT-67 एक्ट ये कहता है कि कोई भी किसी भी महिला के ऑब्जेक्शनेबल वस्त्रहीन फोटोज वीडियोस किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखा सकता है। राखी सावंत ने क्या किया? मीडिया को बुला बुला कर आओ आओ आप आओ आप आओ आप भी आओ, ये देखो ये देखो ये देखो, शेरलिन चोपड़ा का न्यूड फोटो, शेरलिन चोपड़ा का वस्त्रहीन वीडियो, आप भी आओ। ये क्या है? कुछ फोटोज वीडियोज पर्सनल होते हैं, उन्हें आपने तमाम मीडिया वालों को दिखाया, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखाया, आपने मीडिया को गलत जानकारी दी। अरे आपके साथ मेरी लड़ाई कभी नहीं थी, मेरी लड़ाई यौन शोषण के खिलाफ है, यौन शोषण करने वालों के खिलाफ है। जब जब मैं साजिद खान के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, जब जब मैं राज कुंद्रा के खिलाफ आवाज उठाती हूँ, वो उनकी डॉमी बनकर आ जाती है बीच में, कहती है नहीं मेरे भाइयों के खिलाफ कुछ अपशब्द मत कहना। अरे आपको इतनी ही दिक्कत होती है तो आप जाओ ना, आप पुलिस स्टेशन में जाओ, आप पता लगाओ कि उन लोगों ने क्या क्या कांड किए हैं। साजिद खान के खिलाफ कितनी महिलाओं ने शिकायत की क्या आपको नहीं पता? ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने शिकायत की है, मेरे अलावा कई महिलाओं ने शिकायत की साजिद खान के खिलाफ। और एक पीड़ित महिला की, एक पीड़ित महिला के आरोपों में कितनी सच्चाई है ये पुलिस तय करेगी, पुलिस छानबीन करेगी, पुलिस तहकीकात करेगी, ना कि आरोपी के भाई बहन। ये बात हमें समझना चाहिए जी। आगे कुछ मैं घूमने चलना लाइव। हाँ अभी आज राखी को पेश किया जाएगा कोर्ट के अंदर, उसके बाद में हमारी जो लीगल टीम है वो पूरी तरह से इस पे वॉच रख रही है। अगर वो हाई कोर्ट को अप्रोच करेंगी, क्योंकि कल सेशन कोर्ट ने उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया है, तो जब अभी क्या है आगे का प्रोसीजर, अगर वो हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे तो हमारी लीगल टीम उसको अपोज करेगी। आज क्या अरेस्ट हुई है? राखी सावंत कुछ देर पहले अरेस्ट हुई, उसे बहुत जल्द मैजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां पर वो रेगुलर बेल के लिए याचिका दायर कर सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि राखी सावंत को जुडिशियल कस्टडी हो, उसे कम से कम 14 दिनों के लिए उसे जुडिशियल कोर्ट में रखा जाए, जेल की सलाखों के पीछे बंद रखा जाए, ताकि उसके समर्थकों को अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाए कि भारत देश के संविधान के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता है। सलमान खान अच्छी तरह सुन लें, इनको भाई इनको बहन मानते हैं, ये उनको भाई मानती है। हाँ आप सुन लीजिए सलमान खान जी, कोई भी इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता है, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकती हूँ। सिर्फ 14 दिन मिनिमम होता है ना, 14 डेज। मैं तो चाहती हूँ कि कई महीने वो रहे, लेकिन मिनिमम 14 डेज रखा जाता है जुडिशियल कस्टडी में। मॉडल।